नमस्कार। आज जो हम गेम देखने वाले हैं वो रिसेंटली जो दिल्ली ओपन जीएम टूर्नामेंट चालू है उसमें हुआ था। इजिप्ट के ग्रैंड मास्टर हैं अब्दुल रहमान हेशाम और इंडियन ग्रैंड मास्टर एम आर ललित बाबू। इन दोनों के बीच एक बहुत ही बेहतरीन गेम हुआ थर्ड राउंड में। तो गेम में क्या डिटेल्स हुई या क्या कैसे उस गेम में इतना एक्साइटिंग मोमेंट आ गए थे कि मैंने खुद उसके कारण ये डिसाइड किया कि ये वीडियो डेफिनेटली बनाना चाहिए इस गेम पे। और दूसरी बात अगर मैं करूं कि दोनों प्लेयर्स से तो मैं दोनों के साथ ही खेल चुका हूं एक एक बार। हिशाम अब्दुल रहमान के साथ मैं दिल्ली में ही खेला था। लकीली उस पोजीशन में मैं जीता था वो गेम। और शारजा में मुझे याद है लास्ट राउंड मैं ललित बाबू के साथ भी खेला था जो कि क्लोज गए को पियानो पे हुआ था और वो एक ड्रॉ रहा था। तो इन दोनों के बीच जो एक गेम हुआ इस टूर्नामेंट में थर्ड राउंड में बहुत ही एक्साइटिंग खेला था अब्दुल रहमान हेशाम ने। और डेफिनेटली आप सबको ये पूरा गेम देखना चाहिए बिकॉज जो लास्ट में जो फाइनल जो आया था पोजीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हम लोग क्विकली गेम विंडो की तरफ जाते हैं। गेम जो स्टार्ट हुआ वो d4 नाइट f6 c4 e6 नाइट टू f3 b6 क्वींस इंडियन के सेटअप में हम लोग जा रहे हैं फिलहाल b6 के बाद। g3 खेला यहाँ पे बिशप a6। ये बहुत एक पॉपुलर वेरिएशन है। b3 खेला यहाँ पे आप देखें अगर तो b3 के अलावा नाइट bd2 भी खेलते हैं। मुझे याद है मेरा अभिजीत गुप्ता के साथ एक गेम होता ऑफ कोर्स उसमें ये एग्जैक्टली ये पोजीशन नहीं था पर बिशप b4 और ये जो सेटअप्स होते हैं इनमें आप नाइट bd2 भी जा सकते हो जस्ट टू प्रोटेक्ट c4। तो b3 के बाद बिशप b4 खेला यहाँ पे। बिशप b4 के जगह एक्चुअली हम एक साइड लाइन है जिसमें b5 भी खेल सकते हैं जिसमें सी कट b5 बिशप इंटू b5 इस पे भी बहुत सारे गेम्स हुए लेकिन बिशप b4 वैसे मेन लाइन है। bd2 खेला यहाँ पे बिशप e7। अब इस अगर मूव का हम देखें कि ओपनिंग में बिशप b4 खेल के बिशप e7 क्यों खेला है तो बहुत बार इस जो c1 बिशप है उसका पोजीशन चेंज करने के लिए क्योंकि आप जब चेक दोगे तो bd2 को बिशप e7 जाने के बाद अभी बिशप d2 पे है मतलब बाद में वो बिशप b2 नहीं आ सकता है और कुछ कंडीशंस में बिशप a3 भी नहीं खेल सकते हैं ताकि वाइट इस बिशप को एक्सचेंज कर पाए। तो bg2 खेला यहाँ पे c6 शॉर्ट कैसल। और अब इस पोजीशन में आप देख सकते हो एक्चुअली जो जो मेरे पास जो ओपनिंग बुक है या फिर जो भी डेटाबेस है ओपनिंग्स के उसमें उसके हिसाब से बिशप c3 ज्यादा पॉपुलर है। d5 नाइट टू bd2 नाइट bd7 और क्वीन c2। अब ये पोजीशन एक्चुअली इसमें आप देख सकते हैं कि वाइट जो है वो e4 के लिए ट्राई कर सकता है जिसमें आप इमिडिएटली c5 खेल सकते हो। शॉर्ट कैसल डी कट c5 बी कट c5 ne5 ये एक बहुत कॉमन मूव ऑर्डर है इस पोजीशन में मैं बोलूंगा। लेकिन 8th मूव पे कैसल किया था वाइट ने जहाँ पे d5 खेला ne5। डेफिनेटली आप देख सकते हैं ne5 का जो मेन आइडिया है वो इस बिशप को और ज्यादा कंट्रोल देना है इस डायगोनल पे और e5 जो है वो c6 पे अटैक भी कर रहा है और साथ ही साथ वो c4 को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। तो कैसल किया यहाँ पे बिशप टू c3। फाइनली व्हाइट ने डिसाइड किया कि बिशप को इस a1 h8 डायगोनल पे रखना चाहिए ताकि कुछ कंडीशंस में अगर आप देखें तो बिशप को हम शिफ्ट कर सकते हैं f4 पे भी। ये भी एक पॉपुलर वेरिएशन है वैसे देखा जाए तो बिशप f4 नाइट टू e4 क्वीन c2 f6 में भी और नाइट d3 के साथ आप ये वेरिएशन कंटिन्यू कर सकते हो जिसमें नाइट d6 करके ब्लैक जो है वो c4 को अटैक कर सकता है और अभी आप नाइट d2 आ सकते हो इसमें। तो डेफिनेटली इस पोजीशन में भी मैं बोलूंगा कि ये एक स्टार्टिंग पोजीशन है और ये भी पॉसिबिलिटी थी लेकिन वहां पे बिशप c3 खेला इस पोजीशन में नाइट fd7। आप नाइट fd7 इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि कुछ कंडीशंस में इस e5 नाइट को यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है। आप नाइट bd7 नहीं जा सकते थे बिकॉज c6 जो है वो हैंगिंग था। तो यहाँ पे नाइट d3 खेला और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है मुझे लगता है बिकॉज अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्लैक जो है वो एक पॉन ले सकता है डी कट c4 के बाद जो कि खेला एक्चुअली ललित गेम में। और यहाँ पर डी कट c4 में आप इमिडिएटली तो आप इसको नहीं मारोगे वैसे देखा जाए तो नाइट b4 जो है ये भी थियोरेटिकल मूव है और मैं बोलूंगा कि इस पोजीशन में जो वाइट जो एक पॉन दे रहा है उसके पीछे कुछ सॉलिड रीजन है क्योंकि जैसे ही आप इस पोजीशन में पॉन अभी मारोगे तो ए कट बी के बाद ए फाइल ओपन हो जाएंगी एक h1 h8 डायगोनल ओपन हो गया आपके पास सेंट्रल में दो पॉन है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन पोजिशनल चेस की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली एक पॉन के बदले इसमें कॉम्पेंसेशन रहता है।
यहाँ पे बिशप इनटू b4 मारा, मेरे हिसाब से क्वीन सी एट मेन लाइन है यहाँ पे, क्योंकि क्वीन सी एट के बाद अगर आप नाइट ए सिक्स मारते भी हो तो क्वीन ए सिक्स एक आ सकता है, और उस कंडीशन में भी आपको पॉन वापस मिलने ही वाली है। लेकिन यहाँ पे बिशप इनटू b4 मार दिया, मुझे लगा कि शायद e7 बिशप का रहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि किंग साइड के लिए डिफेंड करने के लिए वो एक अच्छा पीस बन सकता है, और डार्क कलर को भी कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीस है वो देखा जाए तो गेम में। बिशप इनटू b4 मारा, सी कट b3, और उन्होंने देखा जाए तो ललित बाबू ने एक हिसाब से चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि जब आप पॉन सेक्रीफाइस देते हैं तो डेफिनेटली आप ओपोनेंट को चैलेंज कर रहे हो, तो उस हिसाब से उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया। और इमिडिएटली ए कट b3 मारना फोर्स्ड है यहाँ पे, आप बिशप इनटू f8 नहीं जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे सिंपली b2 आ रहा है और ये पोजीशन उसके बाद लॉस्ट ही है, क्योंकि आप नाइट c3 अगर खेलोगे भी तो बी कट a1 आ रहा है, क्वीन a1, और उसके बाद मैं क्वीन f8 मार दूंगा, और डेफिनेटली ये ब्लैक को विनिंग होना चाहिए। सॉरी, तो यहाँ पर ए कट बी सॉरी ए कट b3 मारा यहाँ पे, और ए कट b3 के बाद यहाँ पे रुक e8 खेला, f8 पे थ्रेट था तो उसको बचाना जरूरी था। नाइट d2 खेला यहाँ पे, नाइट d2 का डेफिनेटली जो आइडिया है वो यही हो सकता है कि नाइट c4 जाके d6 के लिए देखें वहां पे तो, और वैसे देखा जाए तो बिशप इन टू c6 पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जैसे आप नाइट इन टू c6 के बाद रुक a6 मारोगे तो b4 हैंगिंग है, तो वो पॉसिबल नहीं था। सो नाइट d2 खेला यहाँ पे, नाइट f6, नाइट c4। अभी आप देख सकते हैं कि d6 स्क्वायर जो है वो बहुत ही पावरफुल लग रहा है वाइट के लिए। एक बीच में एक बुक आई थी, मैंने इसके पहले भी एक दो बार बताया कि पैटर्न रिकॉग्निशन के ऊपर एक बुक आई थी, जिसमें बताया था कि उन्होंने एक्चुअली स्पेशली इस आउटपोस्ट को नाम दिया था ऑक्टोपस नाइट, तो फर्स्ट ही चैप्टर था मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा था वो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्वायर बन सकता है नाइट के लिए, और वो बहुत डोमिनेटिंग नाइट हो सकता है कुछ कंडीशंस में। तो यहाँ पे नाइट d5 खेला, बिशप को फोर्सफुली हटाया यहाँ से d2 पे, लेकिन एक अच्छी बात वाइट के लिए ये है कि ये परमानेंट प्लेस नहीं है नाइट के लिए, तो आप जब चाहो e4 खेल के इस नाइट को हटा सकते हो, और उसमें आपको एक और टेम्पो भी मिलेगा, एक्स्ट्रा मूव्स मिलेंगे। सो बिशप b7 खेला यहाँ पे ललित बाबू ने, बिशप b7 को e4 खेला, और आफ्टर नाइट c7 मुझे लगा कि शायद e4 के बाद नाइट f6 एक स्क्वायर हो सकता था, लेकिन e5 के बाद फिर से इस पे थ्रेट है, अगर आप नाइट d5 फिर से आते हो तो d6 स्क्वायर है आपके पास, तो डेफिनेटली नाइट c7 ऑलमोस्ट फोर्स्ड ही लग रहा है। तो e5 खेला यहाँ पे, और ये एक बहुत अच्छा मूव था, क्योंकि अब देखो कि वैसे देखा जाए तो d4 मर रहा है, और एक्चुअली आप d4 मार नहीं सकते हो बिकॉज नाइट d6 आ रहा है, और अभी आप देख सकते हो कि e8 और b7 पे थ्रेट्स हैं। सो यहाँ पे नाइट b5 खेला, और ये पोजीशन मुझे लगता है कि रुक के आपको थोड़ा एनालाइज करनी पड़ेगी कि एक्चुअली क्या हो रहा है इस पोजीशन में, बिकॉज अगर हम बात करें इस पोजीशन की तो d6 ठीक है, आपके पास d6 आ रहा है, स्पेशली नाइट b5 का आइडिया ये भी था कि इस पोजीशन में, और मुझे लगता है एक्चुअली इस पोजीशन में अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर स्क्वायर की d6 की भी, तो वाइट के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है इस पोजीशन में, बिकॉज अगर आप देखें कि क्वीन साइड में अटैक करने के लिए भी एक अच्छी बात है यहाँ पे, क्योंकि e5 के बाद यहाँ पे नेचुरल डिफेंडर जो है वो e6 f6 सॉरी नहीं है, तो ये एक अच्छा पोजीशन हो सकता है वाइट के लिए। तो आफ्टर नाइट b5 यहाँ पे क्वीन h5 खेला, एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव था, क्योंकि आप अगर इसमें पॉन मारते हो, मुझे लगता है कि सपोज अगर हम देखें कि क्वीन इन टू d4 अगर आप मारते हो तो रुक f d1 एक बहुत अच्छा मूव आ सकता है यहाँ पे, और उसके बाद भले ही आप दो पॉन डाउन हो लेकिन आपके पास एक्टिविटी बहुत अच्छी है, स्पेशली बिशप g5 बिशप f6 ऐसे कुछ आइडियाज हो सकते हैं, और कुछ कंडीशंस में जब आप यहाँ से क्वीन रिमूव करोगे तो बिशप e4 भी आ सकता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा पोजीशन बन सकता है वाइट के लिए। तो क्वीन h5 को नाइट d7 खेला यहाँ पे, और ब्लैक जो है वो कोशिश कर रहा है कि नाइट f8 आके किंग साइड में पीसेस को मैं रखूँ, ताकि डिफेंड करने के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। bg5 खेला यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअली f6 एक मूव लग रही है खेलने के लिए, लेकिन उसमें कुछ डिफिकल्टीज हैं, क्योंकि जहाँ तक अगर हम बात करें यहाँ पे बिशप e4 आ रहा है, और बिशप e4 को आप g6 नहीं जा सकते हो बिकॉज उसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज जैसे ही आप बिशप इंटू g6 मारोगे, एच इंटू g6 अगर आप मारते हो तो क्वीन इंटू g6, और डेफिनेटली अभी आप किंग h8 ही आपको जाना पड़ेगा, f8 में तो सिंपली मेट हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आप किंग f8 जाओगे तो बिशप h6 चेक आ रही है,
और किंग ई सेवन को क्वीन जी सेवन मेट हो रहा है, लेकिन अगर आप किंग एच एट जाते हो तब भी डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज इसमें मुझे लगता है ई कट एफ सिक्स एक बहुत इजी वेरिएशन आ रहा है जिसमें कि आपको क्वीन जी सेवन मेट है और आप रुक जी एट नहीं खेल सकते हो बिकॉज क्वीन एच सिक्स मेट हो रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉब्लम्स थे, तो इसीलिए एफ सिक्स मुझे लगा नहीं कि इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाँ ऐसा कर सकते थे कि बिशप ई फोर के बाद शायद एच सिक्स खेलें, लेकिन उस कंडीशन में भी बिशप इनटू एच सिक्स और ये पोजीशन बन सक खेल सकता है वाइट। तो यहाँ पे क्वीन सी सेवन खेला, अभी आप देख सकते हो कि इस पोजीशन में अगर हम बात करें इस बोर्ड को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें क्वीन साइड और किंग साइड, तो क्वीन साइड में ब्लैक के ज़्यादातर पीसेस है, किंग साइड में सिर्फ एक ही पीस है और डिफेंड करने के लिए नेचुरल डिफेंडर भी नहीं है एफ सिक्स पे, और वाइट डेफिनेटली किंग साइड में बहुत अच्छा अटैक लॉन्च कर सकता है। लेकिन अगर हम क्वीन साइड की बात करें तो पांच पीसेस हैं क्वीन साइड में और इनको शिफ्ट करना किंग साइड में आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट राउंड। तो क्वीन सी सेवन खेला यहाँ पे और ये पोजीशंस आपको ऐसे पोजीशंस बहुत बार बुक्स में दिखते हैं या जहाँ पे भी आप स्टडी सॉल्व करते हो ऐसे पोजीशंस आते हैं ताकि आपको अलग अलग आइडियाज पता चले। मुझे याद है मेरा एक नागपुर में एक गेम हुआ था शैलेश द्रविड़ के साथ जिसमें इसी टाइप का एक आइडिया मैंने एक्चुअली खेला था लास्ट राउंड में शैलेश के साथ, शैलेश तब मुझे लगता है 2-0 समथिंग में था, लेकिन ये जो मूव खेला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव था और आपको डेफिनेटली इसमें कुछ नया सीखने मिलेगा बिकॉज यहाँ पर उन्होंने बिशप एफ सिक्स खेला हिशाम अब्दुल रहमान। तो बिशप एफ सिक्स देखा जाए तो इंटरेस्टिंग लग रहा है फर्स्ट व्यू में, लेकिन इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन वे से अगर हम सोचे तो जी कट एफ सिक्स थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है नाइट एफ सिक्स एक ठीक ट्राई हो सकता था एक्चुअली ब्लैक के लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्विकली देखते हैं कि जी कट एफ सिक्स में एक्चुअली हो क्या रहा है। जी कट एफ सिक्स में आप इन टू एफ सिक्स मार सकते हो और इन टू एफ सिक्स को आप डेफिनेटली नाइट इन टू एफ सिक्स तो नहीं मार सकते हो बिकॉज क्वीन जी फाइव चेक आ रहा है और किंग एफ एट को क्वीन इन टू एफ सिक्स आ रहा है, सो ये पोजिशन डेफिनेटली बेटर रहनी चाहिए थी। लेकिन इन टू एफ सिक्स के बाद अगर हम बात करें किंग एच एट की, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटिन्यूएशन थी क्योंकि ये पोजिशन जज करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि आफ्टर क्वीन इन टू एफ सेवन रुक जी एट आपको फोर्स्ड है खेलना जिसमें आप बिशप ई फोर आ सकते हो, और अब ये पोजीशन बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें नाइट इनटू एफ सिक्स फोर्स्ड मारना ही पड़ेगा, आप नाइट एफ एट नहीं जा सकते हो। अब थोड़ा रुक के देख सकते हो कि एक्चुअली क्या हो रहा है इस पोजीशन में, क्योंकि अगर हम बात करें इस पोजीशन में अटैक की तो डेफिनेटली क्वीन एक्सचेंज हो रहे हैं, लेकिन किंग का पोजीशन अभी भी बहुत खराब है जिसके कारण आप क्वीन इनटू सी सेवन मार सकते हो, नाइट इनटू सी सेवन और नाइट डी सिक्स आ रहा है जिसमें आप देख सकते हो डबल अटैक है, बी सेवन बिशप मर रहा है और एफ एट में मेट लगी हुई है, तो इसीलिए नाइट इनटू एफ सिक्स मारना उस कंडीशन में बिशप ई फोर के बाद फोर्स था, अगर हम देखें तो हाँ बिशप ई फोर और नाइट इनटू एफ सिक्स मारना फोर्स था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्वीन इनटू एफ सिक्स मारते हो तो ये डेफिनेटली स्लाइटली बेटर मैं बोलूँगा वाइट के लिए रहनी। तो बिशप इनटू एफ सिक्स के बाद बिशप एफ सिक्स के बाद नाइट एफ एट खेला ललित बाबू ने यहाँ पे और नाइट ई थ्री आई, ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आइडिया था क्योंकि आप और ज़्यादा पीसेस शिफ्ट कर रहे हो किंग साइड में और ब्लैक के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो क्वीन साइड के पीसेस जल्दी से शिफ्ट नहीं कर सकता है किंग साइड में ये पोजीशन डिफेंड करने के लिए। तो यहाँ पे नाइट इनटू डी फोर मारा, डेफिनेटली आइडिया ये है कि नाइट एफ फाइव पे रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बस दोनों नाइट और तीन पॉन मिल के ट्राई करेंगे कि किंग साइड बचा लें। तो नाइट जी फोर खेला यहाँ पे, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पोजिशन था देखा जाए तो। एक्चुअली नाइट डी फोर के बाद यहाँ पे कुछ और अच्छे मूव्स आ सकते थे जैसे कि एक बिशप इनटू जी सेवन में भी हो सकता है, क्वीन जी फोर एक अच्छा मूव हो सकता है अगर हम बात करें क्वीन जी फोर की, तो क्योंकि इसमें अगर आप नाइट जी सिक्स आते हो क्योंकि अभी अभी थ्रेट है वैसे देखा जाए तो क्वीन नाइट जी सिक्स को क्वीन इनटू डी फोर मर रहा है और इस पोजिशन में आप एक सी फाइव खेल सकते हो और सी फाइव के बाद अगर आप क्वीन जी फोर वापस आते हो तो सब एक्सचेंज करके एफ सिक्स वापस मिल रहा है और ये पोजीशन शायद प्लेबल थी, लेकिन यहाँ पर नाइट जी फोर खेला था 24th मूव पे वाइट ने। यहाँ पे एक्चुअली इमिडिएटली सी फाइव खेल देना चाहिए था, ये एक अच्छा सिचुएशन था एक्चुअली देखा जाए तो ब्लैक के लिए, लेकिन यहाँ पर और ये डेफिनेटली शायद अगर एनालिसिस की हम बात करें तो ये बेटर भी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने नाइट एफ फाइव खेला और नाइट एफ फाइव के बाद
यहाँ बिशप ई फोर आया वाइट, क्योंकि बिशप ई फोर के बाद वही एक आइडिया था एक्चुअली सी फाइव खेलने का कि आप बिशप ई फोर आके बिशप इंटू एफ फाइव नहीं मार सकते उसमें, तो बिशप ई फोर को स्टॉप करना बहुत जरूरी था उस पोजीशन में। यहाँ पे सी फाइव खेला और फाइनली बिशप इंटू एफ फाइव मार दिया, जिसमें ई कट एफ फाइव के बाद अभी आप देख सकते हो इस पोजिशन में कि जो जो सिचुएशन है वो बहुत ईजी भी नहीं है, और आपको बहुत प्रॉपरली कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या हो रहा है इसमें, क्योंकि क्वीन सी सिक्स के बाद यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स है जी टू और एच वन में इसमें। लेकिन आप थोड़ा रुक के आप इवेल्यूएट कर सकते हो, और आपको एक कंटिन्यूएशन ढूंढनी पड़ेगी कि वाइट इसमें से क्या कर सकता है, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजिशन था। आप क्वीन इंटू एफ फाइव वैसे मार सकते हो, लेकिन डेफिनेटली यहाँ जरूरत नहीं है, और नाइट एच सिक्स बहुत ही अच्छा मूव आ रहा है, क्योंकि नाइट एच सिक्स के बाद आप देख रहे हैं कि जी इंटू एच सिक्स मारना मुश्किल है यहाँ पे, बिकॉज हम लोग क्विकली देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा था इसमें। जी कट एच सिक्स को क्वीन इंटू एच सिक्स आ रहा है, और नाइट ई सिक्स वैसे लग रहा है कि जी सेवन मेट हो रही है, लेकिन रुक ए फोर बहुत ही अच्छा मूव आ रहा है। अभी आप देख सकते हो कि ए वन का रुक शिफ्ट होके किंग साइड में आ रहा है, जिसमें एच फोर आके एच सेवन को प्रॉब्लम है और एच एट पे मेट हो रही है। सो ये एक बहुत ही अच्छा सिचुएशन था इस पोजिशन में, और रुक लिफ्ट के लिए मैं बोलूंगा कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे रुक कभी कभी बहुत ही अच्छे से लिफ्ट होके अटैक करने के लिए आ सकते हैं। अगर आप बिशप ई फोर खेलते हो तो यहाँ पे डेफिनेटली एफ थ्री आ रहा है, और उसके बाद मुझे लगता है ये पोजीशन विनिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें क्वीन सी सिक्स खेलते भी हो तो एफ ई फोर आ रहा है, और एफ ई फोर के बाद अगर आप एफ इंटू ई फोर मारते हो या एफ फोर खेलते हो, दोनों में ही रुक एफ फोर रुक जी फोर आ रहा है, और ये कम्प्लीटली विनिंग है मुझे लगता है। तो एफ ई फोर रुक एफ फोर, नाइट इंटू एफ फोर नहीं मार सकते हो आप, क्योंकि क्वीन जी सेवन मेट हो रही है। तो ये सब देखते हुए उन्होंने नाइट एच सिक्स को किंग एच एट खेला, और किंग एच एट को फिर से एक बहुत अच्छा मूव आ गया एक्चुअली यहाँ पे। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो में आपको दो तीन बार एक्चुअली पॉज लेना पड़ेगा, क्योंकि बीच में बहुत अच्छे अच्छे पोजीशंस आए थे जो कि हिशाम अब्दुल रहमान ने खेले थे। मुझे याद है वो लास्ट ईयर जो ओलंपियाड हुआ था उसमें अपने इजिप्ट की टीम में भी खेले थे, तो और रेगुलरली इंडिया आते हैं खेलने के लिए, तो एक ओवरऑल रेगुलर प्लेयर है, और इस गेम में मैं बोलूंगा कि बहुत ही अच्छा खेला था उन्होंने। तो क्विकली हम लोग गेम की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आकर उन्होंने बिशप इंटू जी सेवन मार दिया, जिसमें आप देख सकते हैं किंग इंटू जी सेवन मारा, क्वीन जी फाइव खेला यहाँ पे चेक, नाइट जी सिक्स ओनली मूव, अदरवाइज किंग एच एट को क्वीन जी एट मेट हो रही है, किंग एच एट को क्वीन जी एट, लेकिन क्वीन जी फाइव के बाद नाइट जी सिक्स खेला यहाँ पे। और वैसे आप यहाँ पे क्वीन एफ सिक्स चेक दे सकते हो, लेकिन उसमें शायद से किंग एफ एट आके वो पोजिशन बच सकती है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने नाइट इंटू एफ फाइव मारा। अभी आप किंग एफ एट नहीं जा सकते हो बिकॉज क्वीन एच सिक्स और क्वीन जी सेवन मेट हो रहा है, सो ओनली मूव ये है कि आप किंग जी एट जाओ, जिसमें कि क्वीन एफ सिक्स खेला यहाँ पे वाइट ने, और यहाँ पर आकर ललित बाबू ने रिजाइन कर दिया जो जो मेरे पास इस गेम आया था उसमें। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि क्विकली एक्चुअली क्या हो रहा है, सो क्वीन इनटू ई फाइव एक पॉसिबिलिटी है। डेफिनेटली आप किंग जी एट के बाद क्वीन एच सिक्स नहीं जा सकते थे बिकॉज उसमें क्वीन ई फाइव आके जी सेवन बच जाएगा, लेकिन क्वीन एफ सिक्स के बाद एक प्रॉब्लम यह है कि अगर आप क्वीन इनटू ई फाइव मारते भी हो तो नाइट एच सिक्स चेक आ रहा है, किंग एफ एट फोर्स्ड और क्वीन इनटू एफ सेवन। तो एक बहुत ही अच्छा गेम, मैं बोलूंगा कि दिल्ली ओपन का अभी तक का जो बेस्ट टॉप टू या टॉप थ्री गेम्स होंगे उनमें ही आना चाहिए। और एक निरंजन ने भी एक बहुत अच्छा गेम खेला था एफ सिक्स जी फाइव, जो आइडिया किया था उसने खेला था प्लान, तो मैं कुछ लोगों को फॉलो करता हूँ उसमें, सो डेफिनेटली गेम्स देखने के बाद जो जो अच्छे गेम मुझे लग रहे हैं मैं कोशिश करूँगा कि उनको मैं कवर करूँ। और अगर आपको लगता है कि और कोई अच्छा गेम है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा। और अगर बी ग्रुप में से या और अभी जो सी आने वाला है उसमें भी कोई गेम है ऐसा तो आप मुझे बता सकते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग ट्राई करेंगे। तो लेट्स सी कि कहाँ तक हम लोग चेस को शेयर कर सकते हैं। और मेरा मेन एम यही है कि बहुत सारे लोग जो जो बहुत ही डीपली एकदम पैशनेट हैं चेस के लिए, और उनको इतना अच्छा कुछ एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जहाँ पे हिंदी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मिले कोई, तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि जितना भी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है उसको मैं यूज़ करूँ चेस के लिए। और मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।